सेरेस से मिले, एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु और खोजा गया पहला ड्वार्फ प्लैनेट। इसकी खोज 1801 में इटालियन एस्ट्रोनॉमर ग्यूसेप पियाजी ने की थी। ये एस्टेरॉयड बेल्ट की सबसे बड़ी वस्तु है और इसने सदियों से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। इसकी सतह चमकीले धब्बों, गड्ढों और रहस्यमय सफेद धब्बों से चिन्हित है, जो एक जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास का सुझाव देते हैं। सेरेस का अध्ययन प्रारंभिक सौर मंडल में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसकी संरचना और संरचना हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में बता सकती है जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे आकाशीय पड़ोस को आकार दिया था। 2015 में नासा का डॉन स्पेसक्राफ्ट सेरेस पहुंचा, जो किसी ड्वार्फ प्लैनेट की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन बन गया। अपने मिशन के दौरान डॉन ने एक विविध और गतिशील दुनिया का खुलासा किया। सबसे रोमांचक खोजों में से एक सेरेस पर पानी की बर्फ की उपस्थिति थी, जो इसकी सतह के नीचे छिपी हुई थी। यह पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है।